गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में एक्सरसाइज 5 तक पिछली कालांश में आपने समझ लिया था आज इसके बाद न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो आगे अपन समझेंगे। अभी मैं आपको क्रम से सारे ही सोल्व करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप अभ्यास में आपके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल सोल्व कर लेना। तो इस कालांश में अपन समझेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। बुक निकाल लें, बुक का क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न रीड कर लें। 6 प्रश्न है, ए और ब दो ही पार्टनर हैं, 3:1 में लाभ हानि डिवाइड करते हैं। क्रेडिटर 39,700, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 300, जनरल रिजर्व 4,000। ध्यान रहे जनरल रिजर्व है, बांटा जाएगा पुराने पार्टनर्स में। तो जब आप प्रश्न पढ़ें तब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं, वो कहाँ आएंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया कि क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में रहेंगे, कोई कमी वृद्धि है वो देख लेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं, वृद्धि है या कमी है तो माइनस कर देंगे। जनरल रिजर्व है, हमेशा ये पुराने पार्टनर्स में बांटा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पुरानी पूंजी दी हुई है 1 की 30,000 है, बी की 16,000। इधर असेट्स में कैश एट बैंक बैलेंस दिया हुआ है, बीआर बिल्स रिसीवेबल 3,000, डेटर 16,000, स्टॉक 20,000, ऑफिस फर्नीचर 1,000, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 2400। ध्यान रहे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था 11th क्लास में भी, एडवर्टाइजमेंट है या डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये सारी मदे पीएनएल ही होती है। ये अनडिवाइडेड लॉसेज है, असेट्स में आ गया ना, तो अनडिवाइडेड लॉसेज है। अनडिवाइडेड लॉसेज किन में बांटा जाएगा, पुराने पार्टनर्स में पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा, तो ये ध्यान रहे। इसके अलावा नीचे आ जाओ, समायोजन क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 2017 को सह फर्म में आ रहा है, सह को लाभों में 1/5 भाग के लिए 14,000 पूंजी व ख्याति के लाएगा। वही कंडीशन पिछले क्वेश्चन वाली, 30,000 थी वहां, 30,000 ला रहा था ना, 24 तो पूंजी और 6,000 गुडविल की, वो अपने निकाल ली थी गुडविल, वही बात यहां पर है। तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 पर किया गया, 20 में उसका हिस्सा निकाल देंगे भी 1/5, तो उसके हिस्से की गुडविल कितनी आई, 4,000। अब 14,000 टोटल ला रहा है वो, 14 में 4,000 तो वो लेके आ गया गुडविल, और 10,000 क्या होगी उसकी कैपिटल। मैंने शुरू में आपको बताया था कि कोई भी पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है उसे दो अधिकार है, फर्म की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का अधिकार कब मिलेगा, पूंजी ला रहा है तो बाई कैश पार्टनर्स कैपिटल में शो करेंगे 10,000। ऐसे ही जो नया पार्टनर है वो ख्याति ला रहा है तो लाभों में हिस्सा मिल जाएगा, और ख्याति का लेखा पुराने पार्टनर्स को बांटना है त्याग अनुपात में। त्याग के बारे में कोई सूचना है क्या आपके पास, पढ़ लेते हैं। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20 पे किया गया, स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य 10% से कम किया जाए तो रीवैल्यूएशन में अपन कम करके लिख देंगे ऑफिस फर्नीचर को और स्टॉक को। देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बनाया जाए तो वो भी बना देंगे। भूमि और भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए, साझेदारों की पूंजी खाते को नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में समायोजित किया जाए, किसी आदि की कमी को उनके चालू खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। अब यहां ध्यान रखना है आपको, चालू खाते के बारे में सूचना आ गई है तो आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पूंजी खाते रखने की दो विधियां ना, स्थिर पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील। तो ये जो प्रश्न है स्थिर पूंजी पद्धति से बन गया, कह रखा ना इसमें समायोजन जो पूंजी का है वो नए साझेदार की पूंजी के आधार पर करना है, कमी या आधिक्य का जो लेखा है वो नगद से नहीं करना, करंट अकाउंट के माध्यम से करना है, मैं आपको समझा दूंगा अभी आगे।
पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और नई फर्म का चिट्ठा बनाना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सावधानी रखें और समझें। पहले अपन बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो देखिएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बना रहे हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप अच्छे से समझ लें, क्या क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। प्रश्न में देखें पहला समायोजन है वो तो पूंजी और ख्याति का है जो पार्टनर्स कैपिटल में लिखा हो जाएगा। उसके अलावा स्टॉक तथा फर्नीचर का मूल्य 10% से कम किया जाए। असेट्स में देखो पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक है 20,000 का, कम करना है 10% से, तो स्टॉक कम होने का मतलब संपत्ति कम हो गई है। जब संपत्ति कम होती है तो लेखा अपन डीआर में रीवैल्यूएशन खाते के डीआर में लेखा कर दिया 2000। इसके अलावा आप देख पा रहे हो फर्नीचर का मूल्य भी 10% से कम किया जाए, तो फर्नीचर है कितने का, ऑफिस फर्नीचर है 1000 का है, 100 रुपये कम हो गया। टू फर्नीचर तो 100 रुपये फर्नीचर के कम हो गए जी, डीआर में लिख दिया क्योंकि असेट्स कम होती है तो रिवेल्यूशन के डीआर में। इसके अलावा आप देख रहे हो देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया जाए, तो देनदार कितने के हैं 16,000 के, इनका निकालो 5%। देखो डेटर 16,000 के हैं, 16,000 का आप निकालोगे 5% तब आ जाएगा 800। अब आप देखो नया प्रावधान 800 रखना है तो पहले कितना बनाया वो देख लें आप, पहले कितना बनाया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट 300 बनाया हुआ है, पहले कितना बनाया हुआ है 300, मिल गया ना लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर बैड डेट से। देखो लायबिलिटीज में भी हो सकता है या देनदारों में घटा करके भी दिखाया हुआ रहता है, वही की बात है वो, तो लाइब्रेरीज में जो प्रोविजन है वो 300 है, जबकि प्रश्न ये कह रहा है कि अब रखना कितना है, देनदारों का 5%, मूल देनदार 16,000 के ना सेट्स में, उनका निकालो 5%, 800 रुपये रखना है, 300 तो पहले ही रखा हुआ है, तो कितना और बढ़ गया प्रोविजन है, प्रोविजन 500 बढ़ गया। और दायित्व और प्रोविजन जब बढ़ता है तो रिवेल्यूशन के डीआर में, रिवेल्यूशन के डीआर में आएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, तो 500 रुपये आयोजन बढ़ गया। इसके अलावा आगे पढ़ो और क्या सूचनाएं हैं, भूमि और भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 25,000, 25,000 का निकाल लो 20%, 25,000 का 20% कितना हुआ 5,000, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई 5,000, लैंड एंड बिल्डिंग। इसके अलावा साझेदारों के पूंजी खाते को नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में समायोजित किया जाए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको समझाया था एडजस्टेड कैपिटल पूंजी समायोजन, तो ये तो कह रखा ना साझेदार के पूंजी खाते को नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में समायोजित किया जाए, ये पार्टनर्स कैपिटल में और पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपको लेखा करना है। रीवैल्यूएशन की बात यहां कंप्लीट हो चुकी है, जितनी सूचनाएं थी रिवैल्यूएशन की वो अपन ने समझ ली है, आप प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो डिवाइड कर दें, तो आप देख पा रहे हैं रीवैल्यूएशन का सार आया प्रॉफिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन का जो सीआर है वो 5,000 है, जबकि रिवैल्यूएशन डीआर कितने से है, रिवैल्यूएशन डीआर है 2600 रुपए से,
2600 रुपए से आपका रिवेल्यूशन खाता है वो डेबिट है, तो 5000 में 2600 माइनस कर दें तो 2600 आप माइनस करोगे 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि पूंजी खाता नहीं कर सकते यहां पर। साफ समायोजन कह रखा ना अपने को कि समायोजन है वो चालू खाते के माध्यम से किया जाए, इस वजह से यहां पर एक करंट अकाउंट बनेगा और जो हानि है या लाभ है वो करंट अकाउंट के जरिए ही होगा। 5000 सीआर है, डीआर 2600 ही है, तो 5000 में 2600 माइनस किए 2400 अपना प्रॉफिट हुआ, ये 2400 बांट दें पुराने पार्टनर्स में, इनका पुराना लाभ अनुपात देख लीजिए प्रश्न में ऊपरी पर दिया हुआ ना, 3:1 है, कितना है, हाँ 3:1 अभी 3:1 में बांट दीजिए 2400 रुपए, 3:1 1800 और 600, ये 2400 रुपए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के थे जो अपने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए हैं। अब बाल को आपको समझना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो समझिएगा तो पहले अपन पूंजी का लेखा करेंगे। जितने पार्टनर इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं कि पहले तो आप एक में समझ लें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर हैं उतने अकाउंट आप प्रिपेयर कर लें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी। बनाने का तरीका पार्टनर्स कैपिटल का वही है, सबसे पहले इनकी पुरानी पूंजी लिखें आप, जो पुरानी बैलेंस शीट में दी हुई है वहां से आप इनकी पूंजी लिखें। पूंजी कितनी दी हुई बाल को, देखो इनकी पूंजी है एक की तो कैपिटल 30 है और बी की है 16000, एक की कैपिटल 30000 बी की कैपिटल 16000। इसके अलावा क्या करना है, नया पार्टनर है वो पूंजी के रूप में कितना कैश ला रहा है वो लिखें, नया पार्टनर 14000 टोटल ला रहा है, 14000 में से क्लियर कह रखा है पूंजी और ख्याति के 14000 ला रहा है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20000 पर किया गया। अरे फर्म की जो गुडविल है, फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है 20000 में से सीका से निकाल दो आप, 20000 में सी का हिस्सा है 1/5, वो 1/5 के लिए आ रहा ना फर्म में, तो 1/5 हिस्सा उसका निकाल दें आप, तो इसलिए उसके हिस्से की गुडविल कितनी आ गई बाल को 4000, तो फिर पूंजी कितनी आएगी सी की, टोटल वो 14000 लेके आया ना, 14000 में से 4000 तो हो गई है उसकी गुडविल, तो कैपिटल कितनी हुई 10000, इसलिए यहां पर 10000 आ गई है। फिर गुडविल वितरण का लेखा करें, गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूटेड करोगे, 4000 उसके हिस्से की गुडविल है। त्याग के बारे में कोई सूचना है क्या आपके पास, अगर कुछ कह रखा हो तो त्याग अनुपात ले लेंगे अपन, अपने पास त्याग अनुपात के बारे में कोई सूचना नहीं है, मैंने तरीका आपको बताया था त्याग के बारे में, जब कुछ नहीं कह रखा है तो पुराना ही त्याग माना जाता है। ये 4000 आप बांट दो 3:1 में, 3000 और
3000 और 1000। ख्याति का लेखा होने के बाद अपन चलेंगे वन बाई वन। मैंने बताया भी था आपको पुरानी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, चाहे वो पीएनडल डीआर में है, चाहे वो सीआर में है, सारा लेखा अपन करेंगे यहां। तो आ जाओ लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 4000, तो बालकों जनरल रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर दो। जनरल रिजर्व 4000 को बांटेंगे पुराने पार्टनर्स में 3000 और 1000। जनरल रिजर्व के अलावा लायबिलिटीज में कुछ दिया हुआ नहीं है। असेट्स में आ जाओ, असेट्स में आपको सूचनाएं नीचे नीचे मिलेगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। पी एंडल का यही तो डीआर है, इसकी जगह एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आ सकता है, या स्वयं पी एंडल का नाम है आ सकता है। तो अवितरित ये हानि है, अब वहन करेंगे पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 2400 दिया हुआ ना, 2400 को बांट दो 3-1 में 1800 और 600। ये लो जी असेट्स की बात पूरी हो गई है, जो पुरानी मदें डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाली होती हैं। समय से मैंने करवाया था ना आपको अनडिवाइडेड प्रॉफिट और लॉस रिजर्व है, तो वो अपन कर चुके हैं। इसके अलावा बालको आ जाओ नीचे प्रश्न में सूचनाएं। पहला समायोजन 1/5 के लिए पूंजी और ख्याति वो आपने कर दिया, फर्म की ख्याति वाला हो गया, स्टॉक और फर्नीचर। समायोजन नंबर 3, समायोजन नंबर 4, ये दोनों समायोजन है रिवेल्यूशन के, तो रिवेल्यूशन का सार आपके सामने है। इस खाते से क्या ज्ञात हुआ, प्रॉफिट ज्ञात हुआ, तो ये प्रॉफिट आपको बांटना है। कितना प्रॉफिट हुआ 1800 और 600। एक बार के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि दोनों विधि से कर सकते हो ना आप, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बार के लिए आप समझ सकते हो कि ये जो है अपने पार्टनर्स कैपिटल है, उसमें बांट दिया अपने 1800 को, प्रॉफिट है इसलिए बाय रिवेल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट कितना हुआ 1800 और 600। एक को मिल जाएगा 1800, बी को मिल जाएगा 600। क्लियर। इसके अलावा रिवेल्यूशन का सार हो चुका है, सारे समायोजन आपने कर दिए। अब लास्ट समायोजन जो इंपॉर्टेंट समायोजन है पूंजी का समायोजन, वो समायोजन क्या दिया हुआ है प्रश्न में, साझेदारों के पूंजी खाते को नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में समायोजित किया जाए, किसी आदि के या कमी को चालू खाते में हस्तांतरित किया जाए। तो बालको पूंजी खाते को नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में समायोजित करना है, तब आपको वर्किंग नोट में पहले तो ये क्लियर समझ लें, वर्किंग नोट में क्लियर समझ लें कि एनपीएसआर आपको ज्ञात करना होगा, एनपीएसआर ज्ञात करना होगा। क्यों, नए अनुपात में नई पूंजी रखी जाएगी इसलिए, तो एनपीएसआर ज्ञात करेंगे, एक का ज्ञात करेंगे। इससे पहले रिमेनिंग शेयर निकाल लो, रिमेनिंग शेयर, एक में से जो नया पार्टनर आया है उसको शेयर दिया 1/5, बाकी रिमेनिंग कितना बचा 4/5, तो एक का नया हो जाएगा रिमेनिंग जो शेयर बचा है इनटू पुराना अनुपात, तो कितना हुआ इसका 3/5 नया हो गया एक का। बी का नया निकालोगे रिमेनिंग शेयर इनटू बी का हिस्सा पुराना, कैलकुलेट करोगे 1/5, सी के बारे में आपको पता ही है 1/5 के लिए आया, तो नया अनुपात कितना हुआ 3/5, 1/5, 1/5, 3:1:1, ये तो निकला एनपीएसआर। क्या निकला एनपीएसआर। जब एनपीएसआर आ चुका है तो फिर आपको निकालना क्या है, एनपीएसआर तो आ चुका ना,
अब आओ, फिर आप निकालोगे लेखापन कर रहे हैं पूंजी के समायोजन का, तो नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी पता कर लें पहले, तो फर्म की कुल पूंजी, और फर्म की कुल पूंजी कितनी आ गई, नया साझेदार कैपिटल कितनी लाया था बालको 10,000, ये कितने हिस्से की थी, नया पार्टनर का हिस्सा 1/5 अर्थात 10,000 × 5/1, फर्म की कुल पूंजी हो गई है जी 50,000, आ फर्म की नई पूंजी है, या फर्म की नई पूंजी है। इस नई पूंजी को नए अनुपात में रख दो आप, नया अनुपात आपने निकाल ही लिया, इसलिए 50,000 × 1 का जो अनुपात है 3/5, ए की नई पूंजी 30,000, बी की निकालोगे 50,000 × 1/5, तो बी की पूंजी आ गई है 10,000, सी की आपको पता ही है वो 10,000 लेकर के आया है, तो बालको इनकी नई पूंजी पहले आपको प्रदर्शित करनी होगी, नई पूंजी पहले प्रदर्शित करें, उसके बाद ही प्रश्न आपका आगे बढ़ेगा। कमी या वृद्धि रहती है, नॉर्मली अपन ये टू बैलेंस सीडी जो है ये कब निकालते हैं, पिछले क्वेश्चनों में इधर का टोटल करके डीआर के मध्य माइनस करते हैं, फिर जो बैलेंस बचता है वो आता है टू बैलेंस सीडी। पर बालको यहां आपको टू बैलेंस सीडी में अभी जो आपने ज्ञात की है ना नई पूंजी, यही तो है आनुपातिक पूंजी, नए अनुपात में रख दी अपन ने, आनुपातिक आनुपातिक पूंजी, जो नया पार्टनर लेके आया उसके आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात कर ली, फिर उसको नए अनुपात में रख दी, जो नया अनुपात निकाल लिया था अपन ने, आनुपातिक पूंजी आने के बाद इसको यहां टू बैलेंस शीट में यहां शो करेंगे, एक की नई पूंजी रहनी चाहिए 30,000, बी की नई पूंजी रहनी चाहिए 10,000, और सी की कितनी 10,000। अब जिसकी कम पड़ेगी वो चालू खाते के द्वारा समायोजन करना है, कैसे नहीं करना आपको, चालू खाते के द्वारा का समायोजन करने का मतलब क्या है, उसके द्वारा करंट अकाउंट लिखो आप, जो साइड कम पड़ रही है उधर ही करंट अकाउंट शो कर दें आप, जैसे एक ही पूंजी का टोटल देखो, इधर का दौर है 33,36,37,800, इधर का कम है तो ज्यादा वाली साइड है वही नीचे टोटल में आएगी 37,800, 33,36,37,800, 37,800 में से आप माइनस कर दीजिए 31,800 घटा दो आप, तो यहां नाम आ जाएगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट 6,000। मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपके समझ में आ गया होगा, ये 6,000 पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसकी एक ही पूंजी पहले ज्यादा हो रही है, एक ही पूंजी का योग हो रहा है 37,800 माइनस किया तो उसकी पूंजी रहनी चाहिए 30,000 ही, कैलकुलेट करने पर 6,000 उसकी कैपिटल ज्यादा शो हो रही है, तो वो 6,000 चालू खाते के द्वारा विड्रॉल कर लेगा, अर्थात कैश न करके करंट अकाउंट लिखना है, इसलिए आ गया टू पार्टनर्स करंट अकाउंट 6,000। फिर देखो बी की पूंजी का इधर का दौरा 10,600, इसकी भी ज्यादा है 16,000, 17,000, 18,600, 18,600। तो आप देख पा रहे हैं बी की जो नई पूंजी है वो तो रखनी है उसको 10,000 ही, और उसकी पहले वाली पूंजी हो रही है 18,600, 18,600, तो 10,600,
तो इसकी पूंजी भी 8000 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 8000। तो करंट अकाउंट लिख दिया। सी की पूंजी का सा बराबर रहेगा क्योंकि तो नया पार्टनर है, अभी तो आया है, 10000। ये लो जी बालको पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके बाद आपको समझना है बैलेंस शीट। ये अच्छी तरह एक बार आप रीड कर लें। बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो, पुरानी पूंजी लिख दी आपने जो चिट्ठे में दी हुई है 30000 16000, नया पार्टनर है 10000 पूंजी लेके आ गया वो शो कर दिया, गुडविल वो 4000 लेके आया, त्याग अनुपात दिया हुआ नहीं था, पुराना ही त्याग मान लिया 3000 1000, जनरल रिजर्व बांटा जाता है पुराने पार्टनर्स में, बैलेंस 4000 दिया हुआ था अपने बांट दिया 3000 1000। रीवैल्यूएशन जो प्रॉफिट आया 1800 600 वो भी आपने और बी में डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। इसके अलावा बैलेंस शीट के एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, उसे बोलते हैं लॉसेज, अनडिवाइडेड लॉसेज, तो वो बांट दिया। उसके बाद में पार्टनर्स करंट अकाउंट जो भी डिफरेंस आया कम रहे अपने करंट अकाउंट में शो कर दिया। अंतिम समायोजन पूंजी का समायोजन आपके सामने है कि फर्म की कुल पूंजी पता करके नए अनुपात में रखनी है, और नए अनुपात में रख दी अपन, फिर किसी की कम रहती है या ज्यादा रहती है तो करंट अकाउंट लिख दो, क्योंकि समायोजन चालू खाते के माध्यम से करना है। क्लियर? आओ बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट समझ लें। बैलेंस शीट में डीआरसी यानी तो एक स्टेटमेंट होता है, एक खाता नहीं होता। तो बैलेंस शीट में तरीका वही है, अब तक आप लोग 5 क्वेश्चन समझ चुके हैं। तो सबसे पहले पुराने बैलेंस शीट को आधार लेते हुए पुरानी बैलेंस शीट में क्या क्या सूचनाएं हैं, क्रेडिटर लिखा हुआ ऊपर ही ऊपर, नथिंग चेंज। तो क्रेडिटर कितने के हैं? क्रेडिटर 39700, कोई चेंजेस नहीं हुआ लेनदारों में। प्रोविजन फॉर बैड डेप्स, अब देखो बैड डेप्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्स, तो बैड डेप्स की सूचना है कि 5% की दर से आयोजन बनाओ, देनदार 16000 के थे, 16 का 5% हुआ 800, तो अपन प्रोविजन 800 लिखेंगे। पहले 300 ना रिवल्यूशन में आ गया था 500 डीआर में, वो यहां तो बढ़ा के लिखेंगे, जनरल रिजर्व जाएगा उसको बांट दिया है। अब आ जाओ कैपिटल, अपनी जो पूंजी आई थी ए बी और सी की, ए की नई पूंजी 30000, बी की नई पूंजी 10000, सी की नई पूंजी कितनी आई है 10000, फर्म की टोटल कैपिटल है 50000। इसके बाद में आइए असेट साइड में आ जाओ, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का बाल को समायोजन कर लें। पुराना कैश अपने पास कितना दिया हुआ है 22600, नया पार्टनर है वो पूंजी और कैश
पूंजी और गुडविल कितनी लाया था? 10,000 पूंजी के, 4,000 गुडविल के, 14,000 रुपये वो लेके आ गया, 36,600 ये लिख दिया जी, 36,600 समायोजन हो गया है पूंजी का। इसके बाद में कैश एट बैंक के बाद समायोजन है बिल्स रिसीवेबल, पढ़ा था ना 11th क्लास में, तो बिल्स रिसीवेबल कितना आ गया? बिल्स रिसीवेबल है 3,000, इनमें कोई समायोजन नहीं है। डेटर्स, डेटर्स का समायोजन जो था वो उधर लिख दिया अपन ने, यहां मूल देनदार दिखाएं आप 16,000, स्टॉक 20,000, स्टॉक 20 में से समायोजन था ना स्टॉक का, 10% से कम किया जाए तो 2,000 कम करके लिखने हैं आपको, स्टॉक रह गया 18,000। ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर भी कम हो गया था, 100 रुपये कम हुआ था, 1,000 में 100 कम कर दे 900 आ जाएगा, लिख रखा ना 10% से कम किया जाए फर्नीचर को। लैंड एंड बिल्डिंग है वो 20% से बढ़ाई जाए, तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 25,000 तो है ही, 5,000 और बढ़ गई तो टोटल वैल्यू हो गई 30,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हानि थी, बांट दी अपन ने। अब आ जाओ समायोजन में, कोई रह तो नहीं गया। पहला समायोजन पूंजीकार ख्याति का अपने कर दिया, दूसरा समायोजन, तीसरा समायोजन रिवेलेशन का है वो हो चुका है, और पांचवा समायोजन पूंजी का समायोजन, तो पूंजी का समायोजन है उसको चिट्ठे में शो करें। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये साइड आपने खाता बनाया था तो देखो इधर लिखा हुआ है टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो टू बैलेंस सीडी भी कहां आती है? लायबिलिटी साइड में आ रही है ना, ऐसे ही करंट अकाउंट अगर इधर है तो लायबिलिटी साइड में आएगा। वो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट है, एक ही 6,000 पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक का करंट अकाउंट का बैलेंस 6,000 आ रहा है और बी का कितना आ रहा है 8,000, 14,000 रुपए आप यहां लिख दें, ये चालू खाते का शेष है जी। बस सारा समायोजन हो चुका है, अच्छे से आप समझ लें, टोटल कर दें, टोटल कितना हुआ 15,5,9,5,14,4,9,10, 104,500, नोट 6,15,7,3,10,16,8,24,2,5,6,7,3,10, 104,500। तो ये थी बालको बैलेंस शीट, अच्छे से आप समझ लें। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, अब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका क्वेश्चन, ये आपका टॉपिक पूरा क्लियर होगा। जो मैं समझा रहा हूं वो बात अच्छे से आपके समझ में तभी आएगी जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एक दो समायोजन अलग आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं ये, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास एग्जाम्पल है, वो सारे एग्जाम्पल आप करके अपनी पकड़ मजबूत आप बना सकते हो। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में।